जल फूल और लाल धागा यहाँ का विशेषता यही है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में कहीं भी शिव और शक्ति नहीं है, एक बाबा बैजनाथ धाम में ही है। तो हम जा रहे हैं जयसीडी बाबा जी के दर्शन करने, भोलेनाथ का दर्शन करने। आप लोगों को भी कराएंगे जो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर आइए, भोले बाबा का दर्शन कीजिए, भोले की भक्ति में खो जाइए, ठीक है। जितने भी भोले के गाने हैं सुनते सुनते वो प्लेलिस्ट लगा के हम लोग जाएंगे अभी ट्रेन में। तो क्या प्लान है? ये सारा प्लान थोड़ा इसको ज़्यादा प्लान है कि पहुँच के पहले होटल लेना है, फिर नहाना है और फिर बाबा का दर्शन करना है। गाड़ी आने ही वाली है, धुआंधार लोग आ रहे हैं, जयसीडी जाना है सबको। मैं और मेरे दोस्त जा रहे हैं बाबा जी के दर्शन करने। वहाँ पे हमारा ये सफ़र शुरू हो चुका है ऑलरेडी 2-3 घंटे पहले से। काफ़ी दूर रहते हैं हम लोग हावड़ा से, तो मतलब 2-3 घंटे पहले ही सफ़र शुरू हो गया है। तो अभी चलेंगे, कुछ 2-4 धक्के भी खा लिए मैंने यहाँ पे। प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए क्रॉसिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है भाई। मेरा ट्रेन बैठ गया है, ट्रेन बहुत मशक्कतों के बाद ट्रेन में बैठा हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि ये ट्रेन जम्मू तक जाती है, राइट। तो कोलकाता से जम्मू बहुत दूर है, आई थिंक 6 क्लास का ट्रेन तीन लोग जा रहे हैं और इस ट्रेन में बहुत भीड़ होती है, ठीक है। हावड़ा से जाती है जम्मू तक, बहुत लंबा, पता नहीं 3 दिन तक चलती है या क्या। बहुत ज्यादा भीड़ थी तो बहुत मशक्कतों के साथ इसकी अंदर घुसना पड़ा है, और ऊपर से स्लीपर क्लास है तो प्लेटफॉर्म भी बहुत खराब है, मतलब कुछ काम वगैरह चल रहा है। अब पूरा सफर हम आगे दिखाते जाएंगे आपको, जैसा स्लीपर कमरा होता है आपने बाकी ब्लॉग्स में देखा ही होगा किसी ने, वैसी यहाँ पे दिखा के खाएंगे। अभी तक ट्रेन शुरू नहीं हुई है, इसका टाइम है 23:55 यानी कि 11:55। चढ़ गया हूँ मैं सीट पे और बहुत ज्यादा टायर्ड लग रहा है। देखो आसपास से इंसान बोल रहे हैं कि अभी चढ़ो, अभी सो जाओ, ऐसे बोल रहे हैं, तो सोना पड़ेगा, कल सुबह मिलते हैं। सो अभी गाड़ी में बज रहे हैं 4:45 सुबह के 4:45 और हम पहुंच गए हैं जयसीडी स्टेशन, राइट। एक होटल में रुकेंगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे, ड्रेसअप करेंगे, स्नान करेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे भोलेनाथ के दर्शन के लिए। स्टेशन का व्यू बहुत बढ़िया है, ये जयसीडी का स्टेशन है, देखिए कितना अच्छा डेकोरेट किया है, मतलब बहुत ही बेहतरीन लग रहा है ये। काफी बड़ा है और ये कुछ ऐसा व्यू है। और आप भी कोशिश कीजिए यहाँ पे आइए, अपनी प्रार्थनाओं को दीजिए, पूरा होने पर आप यहाँ पे आइए। मंदिर आ गए हैं, आप पहुँच गए हैं मंदिर। अगर एक जनरल है, एक VIP है। अच्छा, जनरल वाला पाइकेगा वहाँ मानसरोवर से और VIP वाला जाएगा यहाँ मंदिर के अंदर से। आपको जैसा सुविधा बुझा, अंदर में जल मिलेगा, फूल मिलेगा। VIP से जाइएगा तो 250 रुपए कूपन लगता है। फूल और लाल धागा यहाँ का विशेषता यही है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में कहीं भी शिव और शक्ति नहीं है, एक बाबा बैजनाथ धाम में ही है। बोलिए।
ब्लॉग लेने वाला रहेगा, ठीक है। पैसा मोबाइल किसी सामान अच्छे से रखना है, जहाँ देखिए जहाँ पुण्य होगा वहाँ पाप भी होगा, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। फिर भी जल्दी कर। तो उसको अभी अभी हमने इनका कमेंट की दर्शन संबंध बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। तब अंदर से आ रही है, आप लोग भी आइए।